बल्टित फोर्ट जा रहे हैं अब हम, और देखते हैं वहाँ क्या सीन है। यहाँ पे तो बच्चों ने बहुत तंग किया, ये अभी भी कर रही है सारा तंग तंग करते हैं। भाई हमने स्टार्ट कर दिया है बल्टित फोर्ट, और ये यहाँ पे करीमाबाद बाजार है। बल्टित फोर्ट ऊपर जा रहा है, पूरी मार्केट है, और ये वाले सूट्स कितने हसीन लग रहे हैं यार, कुर्तीज़। हाँ हम तो कुर्तीज़ बोलते हैं, बट ये बटन ओपन शर्ट है। यहाँ की ख़ास चीज़ें ये हैं मारखूर, और ये सब चीज़ें मेटल की बनी हुई है, ये पत्थर। अर्तगुल में ये सब बना हुआ होता था, उनकी बना रही होती थी बीवियाँ। रख के काम, चेक दीस स्टोन्स, इस तरह की पूरी चढ़ाई है ऊपर तक, चढ़ चढ़ के जाना पड़ रहा है, सांस फूल रही है। प्लेंटिक चीज़ें हैं भाई अंदर, यहाँ लेडीज़ बना रही हैं भाई खाना, इनका अपना है लाल शहजादी, इनका अपना फूड बना हुआ है, छोटे से रेस्टोरेंट। नाइस यार। बल्टित फोर्ट के टिकट्स ले रहे हैं, बाजू मैडम जा रही है ऊपर। हाजू हाजू साइड, ये वाला, यस ऐसे चल ले दिया, अब ऐसे चलो। हाँ। ओह वापस आ गई, हाँ चलो चलो, नारा चाह रही उसको मिल जाए, क्योंकि ये जा रहे तद्दई, अभी तो बहुत तलना है तद्दई। देखिए मैं डोरमैट चेक करें, इनके रग्स जो इनकी खास बात है, यहाँ की खसूसियत है भाई, ड्राई फ्रूट्स रॉक्स। इतना ऊपर चलना पड़ रहा है भैया, बहुत ऊपर जाना है। हाय अल्लाह जी, भागो, तेज तेज भागेंगे तो चल पहुंचेंगे भैया। बंद होने का टाइम हो गया, धारा भी लटकी है मम्मा के साथ। ये देखिए देखिए कितनी ढलान है, वो जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, रुक गया। ये अल्लाह, इन लोगों ने सोचा गुलाटियां मारते हुए नीचे आएंगे, हद होती है यार, जगह ही ऐसी है कि गुलाटियां मारते हुए नीचे आना पड़ेगा। चलो थक गए, फाइनली हम पहुंच गए भैया। चेक यार, हम इतना ऊंचाई पे हैं, इतना ज्यादा, और ऊपर जाना यार, हमने सोचा आ गया बोरा, आने वाला ऊपर देखो बोरा। दो सौ दस सीढ़ियां और हैं भाई, हद होती है। कोई नहीं, 210 सीढ़ियां, ये रहा जरा सा, कोई सीढ़ी सीढ़ी नहीं है। हाय किला है बल्टित, करीमाबाद हंसा, ठीक है, एकदम बेस्ट करो। ओके थैंक यू। चेक करो भैया, माशाल्लाह हसीन, इतना खूबसूरत, हमें बहुत 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 ज़्यादा बहुत ऊंचाई पे। लीजिए टिकट, ठीक है।
थैंक यू, वेलकम, आ जाइए, चलिए जी भाई। अपने सर का ख्याल रखें। मुझे बहुत और ऊंचा बना हुआ है। हाँ यार। और ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, और तो खास नहीं आ रही। हाँ वो तो एक अलग बात है। तो नॉर्दर्न एरियाज जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों की एक अलग रियासत थी। जितने भी हुक्मरान थे वो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाते थे। तो हुंजा को हुक्मरान पे अल्तिफ फोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ये बल्तिफ फोर्ट। अल्तिफ फोर्ट जो है वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है, तकरीबन 1000 साल पुराना। और ये बल्तिफ फोर्ट जो है 800 साल होने वाला है। 1990 में इस किले की कार्बन डेटिंग टेस्ट हुई थी, उसके मुताबिक 765 साल निकला था। और 1990 से लेकर अब तक मिला तो तकरीबन 800 साल हुआ है। और ये पूरा बिल्डिंग जो है कि टाइम में नहीं बनाया है, ये 800 साल में जितने भी हुक्मरान गुजरे अपने दौर के मुताबिक रूम्स के एडिशन करते गए और चेंजिंग करते गए हैं। किले का कोई मेन ओनर या मेन डोनर तो नहीं है। हम जो विजिटर सर्टिफिकेट की फीस लेते हैं वो स्पोर्ट के लिए डोनेशन है, पर द विजिटर्स की मेंटेनेंस के लिए कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक्स फॉर योर डोनेशन एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। ये एरिया किले का मेन एंट्रेंस होता था और ये टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। यहाँ के मुकामी लोगों से रॉयल फैमिली सालाना गंदम अनाज की शक्ल में मालिया टैक्स लेते थे। और ये रग्स के नीचे स्टोरेजेस थी वहाँ पे। अच्छा, इसके नीचे स्टोरेज है और यहाँ पे एक सेंटर मिल के सही इस तरह के स्टोरेजेस है। ये एक स्टोर जो है 9 फीट डीप 6x6 स्क्वायर फीट है। अंदर से गंदम निकालने का दूसरा रास्ता नहीं है, छोटे बच्चे या पतले बंदे के जरिए से यहीं से निकालते हैं। अच्छा, ये अनाज स्टोर सर्दी से बचने दरवाजे छोटे बनाते थे। सेकंड रीजन दुश्मन को रोकने आसानी होती थी। और तीसरा रिस्पेक्ट डोर कहते हैं, जो भी घर के अंदर आ जाता है सही। आपने सर का खास ख्याल रखें। चलिए ऐसी जगह बनी है ये उनका डेंजन था, जिंदान कैदियों को यहाँ। अच्छा, और ये परमानेंट डेंजन नहीं होता था, ये टेम्परेरी को होता था। फिर फैसला होता था, फैसला होने के बाद यहाँ को जलावतन करते थे, यहाँ को गुलाम की शक्ल में क्राइम होती थी। अब भी उनसे का क्राइम रेशो ऑलमोस्ट जीरो था। यहाँ वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं होता था? फिर वॉशरूम बनाया है थे मैम, लेकिन वो ड्राई वॉशरूम फोर के बेंच है ओपन नहीं, मुलजिम के लिए इनके लिए भी बाहर ले जाते हैं। सही। तो ये दीवार आगे तक ये प्रोटेक्शन वॉल है, 16th सेंचुरी में एडिशन है। रेनोवेशन से पहले ये पूरा एरिया जो है ना मिट्टी से भरा हुआ था। अच्छा। रेनोवेशन के बाद अंदर से मिट्टी निकाला है। जब हम यहाँ से आगे जाएंगे नीचे आपको वुडन फाउंडेशन नजर आ जाएंगे। चलिए चलो अजीजी, कुछ भी नहीं लगेंगे, तुम लोग नहीं लगेंगे ना? हाँ वो इतना मजे का नहीं था, ये ज्यादा मजे का है। बल्तित वहाँ की स्टोरी अच्छी थी मुझे बता। हाँ स्टोरी हाँ। यहाँ की भी अच्छी हाँ। बता रहे हैं, बट जगह ये जगह ज्यादा प्यारी बनी हुई है। वाह। तो ये भी एक सिक्योरिटी रूम होता था, यहाँ पे बैठ के ये छोटे विंडोज के जरिए से बाहर नजर रखते थे। सही। और ये यहाँ की रिवायती ड्रेस है, उस जमाने के लोग इस तरह के ड्रेस वो दोनों जो है ना मेल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, ये फीमेल ट्रेडिशनल ड्रेस है। ओके। ये ड्रेस तकरीबन 19वीं सेंचुरी के बाद चाइनीज लाए हैं, शादी भी आते थे। और ये 13वीं सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में, और वो 1550 का वर्ल्ड मैप है फ्रेंच लैंग्वेज में। लास्ट वन जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मैप है 19वीं सेंचुरी का। इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये इसी रीजन का है। हुंजा यहाँ पे, सो दिस इज हुंजा। यहाँ से जो है ना ब्रिटिश इंटर हुए थे, इस बाउंड्री से रशियन इंटर हुए थे। सही। ये सिंजियांग है, चाइना का पहला प्रोविंस, और ये बुखारा उज़्बेकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, और ये कश्मीर है। सही।
और इस मियत में जो है ये रेड सी है और ये अरबियन सी है, ये अफ्रीका है, ये एशिया और ये यूरोप है, नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान बनने से पहले का है लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान। और इसमें जो है मिडिल एरिया यरूशलम है, ये रेड सी और ये मेडिटेरियन सी है। अच्छा और छोटा दरवाजा है, हम पतलों के लिए ठीक है, इनके लिए क्या होगा। और उस जमाने का एक तरह का ये पार्लियामेंट हाउस होता था और हुंजा का ट्रेडिशनल घर भी इस तरह का होता था। इसका सेंट्रल पोर्शन, हीटिंग, कुकिंग, डाइनिंग पोर्शन, ये दोनों जो है ना स्लीपिंग पोर्शन होते थे। रोशनी के लिए लाइट नहीं होती थी, रात के टाइम पे दिए और चिराग जलाते थे। दिन के टाइम इसका सेंटर पोर्शन ओपन था, ये हमने उधर देखा था, इनके ऊपर से गुजरती है। सही सही सही। और ये कारपेट 150 साल पुराना है, ये सेंट्रल एशिया उज़्बेकिस्तान से आए थे। और ये शीट है, 150 साल पुराना है। जी जी, जबरदस्त। और इतना ये तिजोरी होता था, खजाना वहां जाए। अच्छा। और ये सामने जो है स्टोर रूम साथ आगे इसके अंदर जो था, जब कोई खतरा तो वहां से बाहर भाग जाते थे। सही। चलिए जी नेक्स्ट वीडियो आ जाए। अच्छा जी, चले चले चले। ये कितने ठंडी ठंडी जगह हो गई। ये रॉयल किचन था, इनका शाही बोर्च खाना। ये क्या, अभी लाइट्स लगी हैं और कुछ पुराने बर्तन रखे हुए हैं। मेटल का बर्तन 19वीं सेंचुरी के बाद ये चाइना से लाए हैं, उससे पहले पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। तो ये सेम पत्थर जो है ना, ये गंदम वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडर्स को होते हैं। अच्छा, गंदम वगैरह पीसने के लिए पत्थर। ये लकड़ी के चमचे, ये जो रखे पम्पकिंस के शेल्स है, कद्दू के शेल्स, इनमें पानी स्टोर करते थे। और ये जो पिलर टाइप का बर्तन, इसमें लस्सी बनाते थे। बकरे की खाल है, इसमें भी लस्सी बनाते थे। अच्छा, उधर भी बकरे की खाल है, बकरे की खाल में लस्सी। अच्छा, ये ड्राई स्टोरेज, यहाँ पर ड्राई मीट करते थे। ये एक तरह का फ्रिज भी था, तकरीबन 200 से 300 साल पहले इसका लेके ग्लेशियर था, उस ग्लेशियर और मिट्टी वाले और प्रेजेंट रेफ्रिजरेशन मार्केट का, तो उसके जरिए से दूध पानी रखने रखते थे। इनका फ्रिज था ग्लेशियर की वजह से। जी जी, वाह। आओ लीजिए लीजिए, इधर आइए, चलें आराम से, यहाँ बैठ जाइए आप लोग, चलें इधर बैठ जाओ। और रॉयल थ्रोन है, मीर ऑफ हुंजा वहाँ पे बैठता था। 1945 में ये किला छोड़कर शिफ्ट हो गए, वो रहा न्यू पैलेस। ये देखना सामने चार मोबाइल टावर आपको नजर आ जाएंगे ना, चौथा टावर के बैक से देखे दरख्तों के बीच में बिल्डिंग है वाइट के साथ, तो वो है न्यू पैलेस। 1945 से लेकर अब तक रॉयल फैमिली वहां पर रहते हैं। और हम सतह समंदर से 8,300 फीट गंदी पे हैं। यहां से कुछ पहाड़ों का नजारा कर सकते हैं जो कराकुरम रेंज में आते, ये पूरे सराउंडिंग में कराकुरम रेंज है। तो ये जो है ना राकापोशी है, ये राकापोशी का पहाड़ है। और ये दीरान पीक है, इस वो पहाड़ के बीच जो वो गोल्डन पीक है, इस साइड पे उत्तरवन एंड उत्तर। वाह यार, कमाल हो गया। हुंजा पीक भी है, वो दोनों पीक्स जो आपको पतली पतली से नजर आएंगे। हमने लेडी फिंगर वहां से देखा है, वहां से वो नजर अल्टीट्यूड से देखा है। अल्टीट्यूड नीचे सर, ये ईगल नेस्ट है। सनसेट और सनराइज के लिए वहां पे जाते हैं। आप थोड़ी देर पिक्चर ले ले, फिर आगे चलते हैं। पहले आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये है आगा खान फोर, इनका रियल नेम शाह करीम हुसैनी। ये 49th इमाम इस्माइली मुस्लिम का और ये मौलाना अली इस्लाम के नजर में से है। इनका हुक्मरानों के साथ उस किले के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन की थी। इनका दादा परदादा और शजरा मोहम्मद रसूल मौला सुना का था। इन्होंने ये किला पब्लिक के नाम पर डोनेट किया था। रानी मफूंजा इनके मिसेस प्रिंस शासिम हानी का बेटा, इनकी फैमिली जो आपको छत से दिखाया था ना, वहाँ पर रहते हैं। और ये सनमुनी ड्रेस वाले फैमिली की शादी भी आप ये करते हैं। अच्छा, अभी रहते हैं यहाँ पे? जी जी, और ये कुछ तलवारें जो डिफेंस के इस्तेमाल करते थे।
ये जो है मार्को पोलो शिप, इसको लोकल जबान में रुश कहते हैं। ये भी कराकुरम रेंज की पहाड़ों पर आते हैं हुंजरा के आसपास। वाओ कितना अच्छा लग रहा है ये। अभी तो खरीद भी नहीं। समर बेडरूम होता था उस जमाने में, बेड इस्तेमाल नहीं करते थे, नीचे फर्श पे जो थे और ये बाहर तक उछाने वाली मस्जिद की कॉपी है। ये ट्रेड अगर तजारती मुआहदे हमजा और शेरा का फारसी और चाइनीज में लिखा हुआ है। तो उस जमाने में पूरे इंडो पाक में ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी यूज करते थे और बोलने के लिए हमजा में तीन जबानें बोली जाती थी। अब कोई तीन जबानें बोली जाती है। ये जो है सम बालकोनी सनरूम, इस बालकोनी की एडिशन और कलरफुल ग्लासेस के एडिशन, ये भी ब्रिटिश के दौर के हैं। और ये हमजा का फर्स्ट टेलीफोन 1930s के बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो है ना लास्ट क्वीन, ये नगर वैली की थी 2006 में, ये लास्ट किंग ऑफ हमजा और वो छोटा बच्चा मीर गजन फले खान। अब ये बच्चा आया थे और इनके इससे और वापस में। ये जो है ना रॉयल विंटर बेडरूम होता था, इसका सेंटर पोर्शन हीटिंग और कुकिंग के लिए, बच्चे के लिए पालना, ये डाइनिंग पोर्शन है। ये दोनों स्टोर रूम होते थे ड्राई फ्रूट और ड्राई वेजिटेबल्स के लिए। एक और जगह से निकल आए हम लोग, चीन के पुराने कागजी नोट। और ये जो है म्यूजिकल हॉल यूज करते थे, ये आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अब भी गिलगित बल्तिस्तान में शादी ब्याह और हां तो क्या शादी होती खाने के बाद बचता है, खाने के टाइम भी बचता है। और ये जो है ना चाइनीज करेंसीज, ये फर्स्ट पेपर करेंसी चाइना का 1920 से 1933 साल इस्तेमाल हुआ है। और ये कारपेट जो है 200 साल से ज्यादा पुराना है, ये भी चाइना से गिफ्ट और केमल के लॉन से बना हुआ है। ये रशियन भी 17वीं सेंचुरी के है। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी जी जी, ये फर्स्ट, ये वो इसमें लगान फिल्म के थे ना, आगे से मारू का हाँ। पीछे आप जरा अच्छा, ये लास्ट होम इस किले का जो 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 की होंगे सो दैट्स द प्रोफेशन दैट वी सी आप इस तरह जाने लेकर यहां आ जाहरा भाई। हम लोग मैंने पूरा किला देख लिया और बहुत मजा आया, मतलब अल्तित से ज्यादा हम लोग को अच्छा बल्तित लगा भाई, बहुत जबरदस्त स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी अच्छी थी। लेकिन इसकी भी ये भी अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बता रहा था। चलो जी चलते हैं नीचे, चलो राजू। नीचे जाएंगे ढलान से और बस नॉन स्टॉप, मतलब हमें खुद ब्रेक लगाना पड़ेगा बार बार के, ब्रेक मारो ब्रेक मारो ब्रेक मारो, ब्रेक मारेंगे तो रुकेंगे वरना तो चलते जाएंगे। तो साथ में स्टीयर्स भी देंगे, ये देखो स्टीयर से उतरना है चलाक, यहाँ से मजा आ रहा है ना, यहाँ से मजा आ रहा है, यहाँ से मजा आ रहा है। ये वाली इयररिंग्स मेरी फ्रॉक के साथ मैच है तो मैं सोच रही हूँ आपसे ले लूँ, पता नहीं अच्छे लगेंगे अच्छे। चौकर के साथ 700 का दे रहे हैं और ये 300 की इयररिंग्स हैं, चौकर के साथ ले लो। मुझे चौकर पहनने में आता, या तो सिर्फ ब्लैक में ले लूँ, लेकिन ये ऑरेंज है, सिर्फ ऑरेंज में चलेगा, अगर ब्लैक में लूँगी तो सब पे चल जाएगा, ये होता है। सही है, करते हैं कुछ। मैंने ले लिया एक सेट, मेरे ऑरेंज ड्रेस से बहुत मैच कर रहा था तो मैं यहाँ का। इतना प्यारा ये छोटा सा रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे, इनकी लोकल डिशेस हैं यहाँ पे और इन्होंने बहुत साफ सुथरे तरीके से रखा हुआ है भाई अपनी हर चीज़ चेक। देखें बल्कि हमने अजीका को जहरा को वहाँ लिटाया हुआ था तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ लिटा लें बच्ची को, मेरी सारा को पारी भी कर के गई थी। हाँ हमजा में ना एक अपना ही माहौल है, मतलब हर जगह का अपना माहौल होता है तो हमजा में भी एक अपना ही माहौल है यहाँ की, मतलब दुकानें स्ट्रीट और ये सामने पहाड़, ये सब बहुत 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 सुकून दे रहा है। हमने यहाँ देखा कि काफ़ी जगहों पे लेडीज़ ने अपने अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह खोले हैं छोटे छोटे, जैसे जहाँ मैं बैठी हूँ ये भी एक,
लेडी ने खोला हुआ है और आगे भी बहुत जगह दो दो तीन तीन लेडीज हमें दिख रही थी रेस्टोरेंट के खुले हुए छोटे छोटे से, और इसी तरह वो चला रही थी तो खाना वाना डाल दी। मतलब यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ है। हाँ जी, तो हम आ गए हैं अब अपने होटल में, और होटल आ गए थे हम शाम में मगरिब में, और उसके बाद हम लोग को भूख लग गई थी। मुझे तो बहुत शरीर भूख लग गई थी, चाय पी जाके बाहर पराठा अंडा अंडा दोबारा खाया। अभी तो हमारी बिरयानी बन रही है तो हम लोग बिरयानी खाएंगे उसके बाद सोएंगे। अभी तो मैं पिक्चर्स एडिट कर रही हूँ, जब बिरयानी आएगी तो बिरयानी का लुक दिखाएंगे कि यहाँ की बिरयानी कैसी है हमारे हिसाब से। और सब आराम कर रहे हैं अभी। ज़ारा मैडम नीचे बैठी हुई है सुकून से रख के ऊपर, लेट गई बल्कि। ज़ारा आप लेट गई? ज़ारा सुनू